चार विधायक और एक सांसद वाले जिले में सुरक्षा देने वाले पुलिस के लगभग 300 जवानों और उनके परिवार की जान खतरे में है। ये वही पुलिस कर्मी है जो इस जिले के साथ साथ इन विधायक और सांसद को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस बारे में हमारे संवाददाता दया शंकर तिवारी ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की। चार विधायक और एक सांसद वाले जिले में सुरक्षा देने वाली पुलिस के लगभग 300 जवानों और उनके परिवारों की जान खतरे में है। ये वही पुलिस कर्मी है जो इस जिले के साथ साथ इन विधायक और सांसद को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। दरअसल ये सभी जवान कोरबा के कोतवाली के पास निवास करते हैं। इन पुलिस कर्मियों के साथ उनका परिवार भी रहता है, यानी परिवार के सदस्यों की भी जान खतरे में है। कोतवाली के पास निवास करने वाले ये सभी पुलिस कर्मियों के आवास पूरी तरह से जर्जर हो गए हैं और इनके गिरने का खतरा बना हुआ है। यही नहीं, पानी, नाली आदि मूलभूत सुविधाएं भी समस्या से ग्रसित हैं। जिले के आला अफसर बंगला में रहकर छोटे कर्मचारियों के निवास की स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहे। मानसून का आगमन हो चुका है, भवन कभी भी गिर सकता है। 250 परिवारों की जान पर खतरा बना हुआ है। संबंधित अधिकारियों से जब चर्चा की गई तो आला अधिकारियों ने कहा कि भवन खाली करने के लिए नोटिस दी गई है। अब जर्जर भवन में रहने वाले कर्मचारियों से बात की गई तो पुलिस लाइन में जो भवन बना है उसमें भवन खाली नहीं है, हम लोग जाए तो जाए कहाँ। संबंधित अधिकारी कोई बड़ा हादसा का इंतजार कर रहे हैं। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो जिले में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस संबंध में कोरबा CSP राहुल शर्मा से बात की गई तो उन्होंने निम्न बात कही। आपसे मैं चर्चा करने आया दया शंकर तिवारी, आप कोरबा शहर के CSP हैं और यहाँ सर आपके जी कोरबा जिले में दो चौकी प्रस्तावित है थाना बनने की, तो थाना का मापदंड क्या होता है? देखिए, थाने का मापदंड जिले की जनसंख्या, अपराध, क्षेत्रफल इत्यादि चीज़ों को देखकर बनाया जाता है। तो सर रामपुर चौकी जो है थाना के रूप में प्रस्तावित है, अस्तित्व में कब आएगा? रामपुर चौकी में अब CSB चौकी का भी कुछ क्षेत्र शामिल करके शासन को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है और जल्द ही उम्मीद है कि शासन से प्रस्ताव पारित होकर नोटिफाइड हो जाएगा और कुछ दिनों में ही थाना जो है अस्तित्व में आ जाएगा। लगभग एक से डेढ़ महीना का समय। अच्छा सर, तीसरा जानकारी चाहिए था कि जब रामपुर चौकी था उस समय कितने गांव जनसंख्या था? अभी मानो वहाँ TH बैठ रहे हैं तो अभी कितना गांव और कितना जनसंख्या? क्या है कि इसका एग्जैक्ट आंकड़ा अभी मेरे पास टेबल पे नहीं है जी, फिर भी रामपुर चौकी के कुछ गांव जैसे आपके रिसदी, गोढ़ी इत्यादि तक जो क्षेत्र शामिल थे, जो पहले बालकों में थे, अभी कुछ दिन पहले ही गजट में शामिल होके रामपुर में शामिल हुए थे। तीन एरिया को रिसदी से लेके TP नगर तक का एरिया जो है वो सिविल लाइन थाने के अंतर्गत आ रहा है। बाकी जो क्षेत्र है मानिकपुर और कोतवाली, प्रॉपर कोतवाली थाना के अंतर्गत है। सर बल की बल पर्याप्त है कि बल की और उसमें करीब 81 बल और उसमें हमको मिलेगा सिविल लाइन थाना में? 81 भवन वही रहेगा कि दूसरा भवन? भवन बाजू में जो महिला थाना था वो भवन सिविल लाइन थाने के रूप में कन्वर्ट हो गया, महिला थाना के लिए पीछे भवन बन गया, शिफ्ट भी हो गया महिला। अच्छा अच्छा सर, दूसरा ये था कि जैसे सर कोतवाली के पीछे हमारे कोरबा कोतवाली के जिले के पुलिस के जवान रहते हैं, उनका जो भवन है बहुत जर्जर है और प्रस्तावित है बनने के लिए, जोगेश लामा जब मेयर थे तब से चल रहा है और अभी शहर मानसून का आगमन हो चुका है, बरसात चालू है, पूरा कोई वहाँ सामने नहीं आ रहा है, चूँकि हम स्टाफ हैं बोल नहीं सकते, लेकिन हम लोग चर्चा किए तो उन लोगों का कहना है कभी भी गिर सकता है, तो अब सामने बरसात है तो इसमें सर आप इसमें क्या है कि क्या कहेंगे आप? जो स्टाफ हमको नोटिस दिया गया है कि जर्जर हो गया, भवन अभी खाली करें, जल्दी खाली कर देंगे, उसके बाद शासन को प्रस्ताव बना के भेजा गया है, उम्मीद है शीघ्र ही प्रस्ताव स्वीकृत होगा और स्टाफ के लिए नए क्वार्टर बन जाएंगे उसमें। अभी सर मान लीजिए जो पुलिस लाइन में जो स्टाफ का जो क्वार्टर है वो मतलब पर्याप्त है कि कम है बल के हिसाब से? बल के हिसाब से निश्चित रूप से कम है, प्रस्ताव बना के भेजा गया ताकि सभी को क्वार्टर मिल सके। अच्छा सर, दूसरा ये था, तीसरा ये था कि आपके शहर में या जिले में जितने बहुत दिन से जो थाने DI के माध्यम से या पुलिस कोतवाली या चौकी के माध्यम से जितनी भी गाड़ियाँ जब्त हैं वो सड़ रही है, कबाड़ का रूप ले रही है, तो जो न्यायालयिक प्रक्रिया होता है उसके तहत करके उसको नीलामी का
नीलामी हो जाता तो रजस्व भी प्राप्त हो जाता, इसके बारे में क्या कहा? इसमें सभी थानों में जो जब्त गाड़ियां उसकी लिस्टिंग बना ली गई है, सभी जगह लिस्टिंग चालू है। जैसे ही न्यायालय शुरू होगा तो वैसे ही न्यायालय को सूचित किया जाएगा, संबंधित वाहन मालिक है उसको सुपुर्दनामे की प्रक्रिया देकर तेजी से निकाल किया जाएगा। इसके अलावा जो अपराध में जब्त है जैसे गांजा या शराब में, उसकी भी राजस्व की कार्रवाई न्यायालय निर्णय के माध्यम से की जा रही है। सर अब व्यक्तिगत आपसे कुछ चर्चा करते हैं, एसएसपी हैं, आपका पोस्टिंग पहला पोस्टिंग क्या था? मेरा जो ट्रेनिंग पीरियड है वो जिला बेमेतरा में रहा जी, 15 से 16 का पीरियड, और 2016 से 2019 तक लगभग 3.5 साल में नक्सल प्रभावित क्षेत्र गरियाबंद के मैनपुर में रहा। सर आप नक्सली एरिया में रहे हैं तो नक्सली समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जैसे हर 2 महीना 1 महीना पर ऐसा होता है कि नक्सली लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि कोटवार को या गाँव वाले को कि आप जो हैं अपने बच्चे को दे दें, और नहीं देने पर गार्जियन को कोटवार को उसको हत्या कर लेते हैं। तो आखिर नक्सली का जो समस्या है कैसे समाधान होगा, आप नक्सल बेल्ट में रह चुके हैं? देखिए नक्सली समस्या का समाधान दो तरीके से हो सकता है, एक तो विकास कार्य करना है और सुरक्षा, विकास और सुरक्षा साथ साथ चलेंगे। सबसे पहले हमको इस क्षेत्र को सुरक्षित रखना है, तब वहाँ पे सड़क बिजली पानी इत्यादि चीज़ें आएंगी, बेसिक साधन आएंगे, शिक्षा आएगी, लोगों में जागरूकता होगी। नक्सली समस्या आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ लोग अत्यंत पिछड़े हुए हैं, अशिक्षित हैं, नक्सली उनको विभिन्न माध्यम से बरगला कर उस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य बनाए हुए हैं, जो अब सुरक्षा बल काफ़ी हद तक उनको पीछे ढकेलने में सक्षम हो गया है। और ये अपने जो हत्याएं करते हैं पुलिस मुखबिर के नाम पर करते हैं, ये क्षेत्र में दहशत बढ़ाने की उनकी एक रणनीति है। जैसे कि नक्सली अब कुछ लुटेरे टाइप के हो गए हैं, वो विचारधारा तो इनके लगभग रहा नहीं, बदल गया, बस तेंदुपत्ता का इनका लेवी वसूलना है, वहाँ के ठेकेदारों से पैसा वसूलना है, पैसे की राजनीति ले रह गई। झारखंड में तो आप देखेंगे नक्सली ग्रुप आपस में मारकाट मचा रहे हैं पैसे के लिए, क्षेत्र विवाद उनके सामने सामने आ रहा है। धीरे धीरे ये विचारधारा जो है अब रही नहीं दिखती है, असामाजिक तत्व टाइप के हो गए, असामाजिक तत्व हो गए, लुटेरे हो गए, उनको ज्यादा कहना। जी जी अच्छा सर, ये जो है कोरबा में आपकी पोस्टिंग कब हुई सर? सितंबर 2019 से कोरबा पोस्टेड। यहाँ सर मानव तस्करी का जो क्या बोलते हैं कार्यक्रम था, पी सुंदरराज एसपी थे तब हुआ था, उसके बाद आज तक नहीं हुआ, और मानव तस्करी पर कार्यशाला तो कोरबा साहब यानी NTPC में हुआ है, जब पी सुंदरराज साहब थे काफ़ी दिन हो गया, तो मानव तस्करी के यहाँ देखिए क्योंकि मानव तस्करी यहाँ बंद नहीं के बराबर है, मैं जब से हूँ तब तक तो ऐसा कोई केस नहीं आया कि मानव को तस्करी करके कहीं दिल्ली या नेपाल या इस तरह की किसी जगहों पर जहाँ पर जशपुर जैसे क्षेत्र में सुनाई में आता है, तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि यहाँ रोजगार के पर्याप्त साधन है, बहुत सारे जो PSUs यहाँ पर हैं वहाँ लोगों को रोजगार मिल जा रहा है, खेती बाड़ी है, मनरेगा अभी सफलतापूर्वक चल रहा है, उसका मनरेगा की स्थिति अलग थी, आज स्थिति अलग है, लोगों को रोजगार के साधन स्थानीय स्तर पर मुहैया हो जा रहे हैं, तो लोग मानव तस्करी के शिकार यहाँ पर लगभग नहीं के बराबर है। तो उसके बाद सर ये था कि अभी कोरोना का कहर चल रहा है, तो कोरोना पर कटघोरा पहले रेड जोन में था, फिर ऑरेंज जोन में आ गया, अब कोरबा रेड जोन में आ गया, और यहाँ कोरोना का जो पेशेंट है अधिकांश में मिल रहे हैं, तो ये शासन के मापदंड से किस टाइप का काम हो रहा है? शासन के मापदंड से मेरे ख्याल से सबसे अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक जो रहा पेड क्वारंटाइन, मतलब होटल इत्यादि रख लिए गए जो सक्षम है वो पेड क्वारंटाइन में रहे, और बाकी सरकारी क्वारंटाइन मजदूर जो बाहर से आ रहे थे, जितने भी कोरोना पेशेंट मिले हैं वो क्वारंटीन सेंटर के ही अभी वर्तमान में, कोई भी ऐसा कम्युनिटी स्प्रेड टाइप की चीज़ें नहीं आई हैं, किसी मोहल्ले में पूरा का मोहल्ला प्रभावित हो गया ऐसा कोई क्षेत्र नहीं आया, ये हमारी खुशकिस्मती है। हालांकि अब थोड़ा सा हम होम क्वारंटाइन की ओर भी जा रहे हैं ताकि लोगों को सुविधा दी जा सके और उसका हम कड़ाई से पालन कर सकें, इसके लिए हमने हर गांव में एक निगरानी समिति बनाई है जिसमें 5 से 10 लोग हैं, और लगभग पूरे गांव में निगरानी समिति बन गई है, एक सिपाही को 10-10 गांव का जिम्मा थानेवार दे दिया गया है, एक थाने में 10 सिपाही हैं, 10 सिपाही 100 गाँव को कवर कर लिए, फिर सुबह अपने थानेदार को रिपोर्ट करते हैं, सबसे पहले वो बात करते हैं संबंधित निगरानी समिति से, निगरानी समिति से पूछते हैं कि क्या आपके यहाँ कोई क्वारंटीन व्यक्ति है, हाँ है, कोई दूसरे गांव से आया है, तो वो अपने घर पे रहे ये उसकी जिम्मेदारी है, और नहीं रहने पे वो शासन को सूचना देता है, पुलिस को सूचना देता है, जाकर समझाया जाता है, और नहीं मानने पर कानूनी कार्यवाही की जाती है, फिर ये सिपाही इसकी सूचना अपने थानेदार को देता है, थानेदार CSP को देता है,
हम ऊपर वरिष्ठ कार्य को अवगत कराते हैं। तो एक चेन के माध्यम से हमने पूरे गांव पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया इस निगरानी समिति के बाद। पुलिसिंग व्यवस्था पर लास्ट क्वेश्चन था, पुलिसिंग जैसे आप कोरबा शहर में या जिले में पुलिसिंग व्यवस्था पर क्या कहें? पुलिसिंग देखिए यहाँ का मुख्य रूप से PSU है, उद्योग है, औद्योगिक क्षेत्र है, तो उद्योगों में सुरक्षा का माहौल रहेगा तभी वो अपने उद्योग सुचारू रूप से संचालित कर पाएंगे, निर्भीक होकर। हम उसके अलावा अन्य उद्योग भी यहाँ पर आकर्षित होंगे जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कोई भी गतिविधि संचालित ना हो जिससे उद्योगों में असुरक्षा का माहौल रहेगा, हमारा पूरा प्रयास यही। थैंक यू। चर्चा करने के लिए प्रस्तावित रामपुर थाना के बारे में आप अपना संक्षिप्त परिचय बताएं। जांगड़े तो आज राज्य स्तर भर्ती होके 2016 में प्रमोशन लेके निरीक्षक बना। सर कि आपकी पोस्टिंग में रामपुर थाना में हुई, ये प्रस्तावित थाना है, तो थाना बनने में ये थाना बनने का प्रक्रिया क्या है, ये कब अस्तित्व में आएगा, आप यहाँ के किया शासन स्तर के हैं, जो बजट में पास हो जाएंगे, पारित हो जाएंगे तो फिर बन जाएंगे। लगभग कितना समय लगेगा? अब गजट के ऊपर है, गजट तक पारित होते हैं। ये बताएं जब रामपुर चौकी था उस समय कितने गांव और शहर थे, कितने जनसंख्या था, आज जब प्रस्तावित हो गया तब इसका अधिकार क्षेत्र बढ़ गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब रामपुर में पुलिस सहायता केंद्र थे उस समय लोकल शहर के कुछ हिस्से थे जिसमें आपका घंटाघर, ITI चौक, आपका कुतवारी चौक ये था। अभी वर्तमान में जब प्रस्तावित नया थाना जब बढ़ रहा है तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र बढ़ गया है, कुछ जो गांव भी हैं गांव वो भी इसमें शामिल हैं। जब रामपुर चौकी था उस समय कितने मामले लंबित थे, जब आप यहाँ पदस्थ हुए तो कितने मामले आप उसको सुलझाए या सुलझने वाले, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जब रामपुर चौकी में प्रतिस्थापना द्वारा आया तो मैं टोटल 40-50 केस पेंडिंग है, उनको जल्द ही निराकरण किया जा रहा है और जो स्तर है उसको काफ़ी सुधार करने का प्रयास चल रहा है और सुधार करेंगे। नहीं नहीं हजार ऐसे ऐसे जितना किया ना। आप राष्ट्रपति अवार्ड है तो राष्ट्रपति अवार्ड आपको कब मिला, कहाँ मिला, कौन सा ग्यारह मिला, इसके बारे में क्या? मैं 2006-07 में MA हिस्ट्री में प्रवेश सूची में अपना स्थान बनाया, उस दौरान मुझे स्वर्ण पदक से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से प्राप्त हुआ। 2006-07 राष्ट्रपति और हो सकते हैं मैं दूसरे के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं इस पदक के हकदार था और पदक मिले, बहुत मेहनत किया, बहुत पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद ये संभव होगा। अच्छा सर ये बताएं अभी कोरबा का कार्य चल रहा है, कोरबा जिला आप थाना क्षेत्र प्रस्तावित थाना क्षेत्र अंतर्गत कोविड हॉस्पिटल खुला कोरोना का इलाज के लिए, तो आपके अधीनस्थ है ड्यूटी लगता है तो जो हॉस्पिटल है या कोरोना के बारे में आप क्या कहेंगे? कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इस महामारी में जो निदान है उसमें हम सभी स्टाफ का जिम्मेदारी है और हम लोग दिन रात इस जिम्मेदारी को बखूबी से निभा रहे हैं और हम लोग मेरे जो रामपुर चौकी क्षेत्र है उसमें दो हॉस्पिटल बनी हुई हैं, एक तो इसी हॉस्पिटल है और दूसरी है आपका सृष्टि हॉस्पिटल, यहाँ मरीजों का इलाज की जा रही है, वहाँ हम लोग रेगुलर गश्त में जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, मेरे स्टाफ भी जा रहे हैं, सभी के सहयोग से हम लोग वहाँ पे व्यवस्था बनाए हुए हैं। लंबे समय से आपके थाने में जब गड़िया कबाड़ चढ़ रहा है तो अपने आला अधिकारी से
दिशा निर्देश दिए, क्या आप पहल कर रहे हैं कि इसको नीलामी करके इसको हटाए? से शिक्षा निराकरण प्रोसीजर में है। जब से आप यहाँ पदस्थ हैं तब से कौन से गंभीर मामले को आपने निपटाया? अभी मेरे को महीना भर नहीं हुआ है आया हूँ, और एक मामले जो पुराना पेंडिंग थे मर गए, जिसमें पूरा पढ़ के उसको बारीकी से अध्ययन किया गया, जो धारा 302 परिलक्षित होता था उसमें धारा 302 लागू किए हैं। जल्द ही पत्रकार कर आरोपी को मानी जा रहा है। दो चौकी मतलब क्या बोलते हैं थाना के लिए प्रस्तावित है, एक रामपुर है एक आपका हरदी चौकी, थाना के लिए प्रस्तावित है। तो आप TI हैं वहाँ पोस्टिंग है, तो अस्तित्व में कब आएगा? बस एक लाइन आपको बोलना था। अब अस्तित्व में ऊपर अधिकारी बताएगा, हम लोग तो नहीं बता पाएंगे। अच्छा, तो अभी जैसे मान लीजिए अभी अधिकार मतलब थाने चौकी का बड़ा है ना थाने का आपका पहले से? हाँ नहीं, वो तो शुरू से वो है, अलग बना हुआ है, बजट में पास भी हो चुका है, मगर अब वो सरकार के ऊपर है ना कब आदेश।